मनाते हैं, तो नोट करना 8 सितंबर को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। प्राण जो पोर्टल है इसका संबंध है स्वच्छ हवा से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 56C295 मेगावाट, ये दोस्तों स्पेन का परिवहन विमान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बाड़मेर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन सुप्रीम कोर्ट में हेमंत दोस्तों धनजी को जज बनाया गया। अगर पूछे नैनो टेक्नोलॉजी दोस्तों, इस पर जो सम्मेलन है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कार्बन का अवशोषण करने वाला दोस्तों पहला जो सबसे बड़ा संयंत्र है आइसलैंड के अंदर लगाया गया। निजी नौकरियों में आरक्षण हरियाणा, आंध्र प्रदेश और झारखंड। इंडियन ओवरऑल रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर कौन है, यह है दोस्तों ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ संस्था कौन सी है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप के बताना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन दोस्तों मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की है। यह कल का सवाल है कि द टाइम हायर एजुकेशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, वो दोस्तों ऑक्सफर्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए, वतन प्रेम योजना, और ये आपके सामने ना, अरे वनपाल मैं फिर कह रहा हूं तुमसे ना, देखो तुम समझो इस बात को, ये मतलब YouTube का फायदा उठाना सीखो ना, इसका फायदा उठाओ। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जून जुलाई की करंट में आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक घंटे में पढ़ाने वाला हूँ, तो वनपाल हुआ, SSC हुआ, UPSI हुआ, कोई भी हुआ ना, सब में काम आएगी ना। ऑफलाइन क्लास, हाँ हाँ ऑफलाइन क्लास है ना, हाँ और वही 8 घंटे ही है ना, हाँ जिसका सेंटर जयपुर, देखिए जयपुर आया, जोधपुर आया, कहीं भी आया हो सेंटर आपका ना, एग्जाम तो देना ही है, इतनी मेहनत की है, अब एग्जाम तो देना है ना, तो जहां पर भी सेंटर है एक दिन पहले जाकर बैठ जाना, ठीक है, और आराम से अपना दिमाग शांत करना, और अब ये सोचो कि जो है उसी में मुझे एग्जाम